टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा में बीते 7 नवंबर को सुरक्षा गार्ड की हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी साथी को ही गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब के नशे में लाइसेंसी राइफल की बट मारकर अपने साथी सुरक्षा गार्ड को मौत के घाट उतार दिया था और शव जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे। इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और उसके बाद हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें आज पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल और एक तमंचा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा शख्स अजय वीर है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसने बीते 7 नवंबर को अपने 4 साथियों के साथ मिलकर अपने साथी राजन की हत्या कर शव को दादरी क्षेत्र के गांव के पास फेंक कर फरार हो गए थे। देखिए, थाना बीटा 2 पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 302 का। उसका एक हत्या आरोपी था जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, अजय वीर। इसको एसओ बादलपुर ने अरेस्ट किया है और सूचना के आधार पे इसको अरेस्ट किया गया है। बाकी जो इस घटना के और मुलजिम हैं, उसमें से 2 नामजद और थे, इनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इससे पूछताछ में 2 व्यक्तियों के और नाम आए हैं। पूरा घटनाक्रम ये था कि सभी लोग एक साथ बैठ के शराब पी रहे थे और शराब के नशे में इन लोगों ने, बाकी लोगों ने मिल करके उस मृतक राजन की हत्या कर दी। वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ये लोग भी इसी तरह का काम, सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ आसपास में मजदूरी का काम करते हैं। इससे जो पूछताछ हुई है वो और बाकी जो नामजद चीज़ें हैं, इसमें जो एविडेंस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। कब, कहाँ और किसकी की गई थी? देखिए, ये जो अजय वीर है, इसका गन था, इसके पास गन था। सभी लोग साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे। सत्येंद्र था, अनुज था, ये था और 2 व्यक्तियों के नाम और आए हैं। ये सभी 5-6 लोग बैठ करके शराब पी रहे थे कयामपुर सिग्मा 2 क्षेत्र में, और वहीं पे इन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। सभी ने मिल करके उसको मार दिया और मारने के बाद डेड बॉडी अजयपुर चौकी क्षेत्र थाना दादरी के घोड़ी बछौड़ा गाँव के पीछे फेंक दिया था। तो हम लोगों को सूचना के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी रिकवर करके और जो FIR थी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की और इसमें ये चीज़ अभी पहली अरेस्टिंग हुई है। बाकी लोगों को अरेस्ट कर इस मामले में मृतक राजन के परिवार वालों ने जयवीर और अन्य 5 साथियों के खिलाफ बीटा 2 थाना में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में बीटा 2 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने इन सभी हत्यारों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिसमें से एक आरोपी की बादलपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल और एक तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं इसके 4 साथी अभी फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।